आईआईटी रुड़की में 2018 में डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई थी, जिसमें हम इस पर फोकस करना चाहते हैं कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, चाहे वो मैकेनिकल का प्रोडक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट हो, चाहे वेबसाइट पर कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है, तो उसको कस्टमर और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी उपयोगिता, उसको यूज़ करने की क्षमता कैसे उसमें आसानी आए, उसको कैसे ऐसे बनाया जा सके कि वो इम्प्रूव हो सके। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हरियाणा उसके साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है, और उसमें हमारा पर्पस ये है कि हम डिज़ाइन में कैसे अपने साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर में जो हमारी एक्सपर्टीज़ है उसको हम कैसे डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए एनआईडी के साथ मिलकर। तो एनआईडी के साथ अब हमारी पार्टनरशिप है, हमारे इवेंट साथ हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज हो सकते हैं, हम लोग जॉइंट प्रोजेक्ट देख सकते हैं, एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी नई नई संभावनाएं खुली हैं। तो सर, कहीं ना कहीं जो ये आम जो लोग होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं देखिए, आम लोगों के लिए तो है ही है, जैसे कोई भी चीज़ है, चाहे कुर्सी है, चाहे मेज है, सिंपल सी चीज़ है, तो क्या हम उसमें कैसे कुर्सी बनाएं कि भाई किस व्यक्ति के लिए, बीमार आदमी के लिए, स्वस्थ आदमी के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, तो उस हिसाब से सोच कर कैसे हम उस कुर्सी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिज़ाइन यही है, वो आम आदमी को ध्यान में रख के ही किया जाता है, तभी उसको हम सफल डिज़ाइन बोलते हैं। अगर उसकी उपयोगिता, जो उसको यूज़ करने वाला है वो उसकी उपयोगिता समझे, तब हम कहते हैं कि सफल डिज़ाइन है। जैसा कि हमारे साथ थे अजीत चतुर्वेदी जी, उन्होंने बताया कि डिज़ाइन को लेके वो एक आम आदमी के लिए सब प्रयोग कर सकते हैं। मैं अमय मेहता, रुड़की, आईआईटी।